अस्सलामुअलैकुम माई यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू माई चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो लीजिए जनाब, मैं आज आप लोगों के साथ एक और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ और इसका नाम है आलू की तरकारी। ये बहुत ही सिंपल डिश है, सुबह नाश्ते में फटाफट बन जाती है। तो चलें स्टार्ट करते हैं। इसके लिए मैंने एक आलू लिया था बड़ा, और दो टमाटर लिए थे, लाल मिर्चें थी, ज़ीरा, नमक, ऑयल और हरी मिर्च, और आखिर में गार्निशिंग के लिए हमें हरा धनिया चाहिए होगा। तो सबसे पहले हमने पॉट में ऑयल लिया, ऑयल में हम ज़ीरा डाल के कड़कड़ाएंगे, और जैसे खुशबू आने लगेगी ज़ीरे की तो वैसे ही हम उसमें आलू डाल के कवर कर देंगे। अब मैंने कवर हटाया है इसका, और चेक करें इसके ऊपर लाइट गोल्डन कलर आ गया है और बेइंतहा अच्छी खुशबू आ रही है ज़ीरे की और आलू की जो है। अब हम इसमें जो है मसाले डालेंगे, जिसमें लाल मिर्चें हैं, और लाल मिर्चें नमक ये आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। ये नमक डाला मैंने इसके अंदर। अब टमाटर ऐड कर रही हूँ। और इसके बाद हरी मिर्चें, ये सारे मसाले आप अपने हिसाब से डाल सकते हैं। अगर ज़्यादा आपको खट्टा पसंद है तो आप टमाटरों को बढ़ा दीजिए, नमक थोड़ा ज़्यादा चाहिए तो। मैंने क्योंकि सिर्फ नाश्ते के लिए बना रही हूँ तो मैंने हर चीज़ें बहुत कम क्वांटिटी में ली हैं। इसको चलाएंगे थोड़ा सा अच्छे तरीके से, और उसके बाद हम इसके अंदर 5 टेबल स्पून तक पानी ऐड कर देंगे और कवर करके आलू को गलने के लिए छोड़ देंगे। इसमें भी तकरीबन 5 मिनट ही लगते हैं। ये तरकारी बेइंतहा सिंपल है। अगर हम जितनी देर हमें पराठे बनाने में लगता है उतनी देर में ये जो तरकारी है वो रेडी हो जाती है। एक तरफ आप पराठे बेलें और एक तरफ आप चूल्हे के ऊपर तरकारी को चढ़ा दीजिए, तो दोनों चीज़ें यानी जितनी देर में पराठा बनेगा उतनी ही देर में ये तरकारी जो है वो तैयार हो जाएगी। और ये रेसिपी उन लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है जो अंडा पराठा खा के थक गए हैं और चाहते हैं कि जितनी देर में अंडा फ्राई होता है उतनी ही देर में उनको कोई और चीज़ मिल जाए। तो जितनी देर में समझ लें अंडा फ्राई होता है उतनी ही देर में ये सब्ज़ी रेडी हो जाती है, तो वो लोग ज़रूर इस रेसिपी को ट्राई करें। उम्मीद करती हूँ मेरी ये रेसिपी आप लोगों को पसंद आई होगी, और अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई है और आप मज़ीद इस तरह की रेसिपी, सिंपल और झटपट बनने वाली रेसिपीज़ देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब अपना बहुत ख्याल रखिएगा, इंशाल्लाह अगली वीडियो में हम मिलते हैं। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।